सो हेलो, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल एमडीएम टेक विजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनोज पटेल। हमारे आज की वीडियो बताने वाला हूं अपना डीडी फीडी जो सेटअप बॉक्स होता है, सब जगह यूज होता है। तो डीडी सेटअप बॉक्स में एक मदर कार्ड खराब हो जाता है, मदर कार्ड कैसे बदले, इसका कनेक्शन कैसे करें। तो दोस्तों, हमारी वीडियो बनाए तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पास वाले बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए। कैसे है डिस इन्फो रिलेटेड कोई भी वीडियो लेके आओ, इसकी नोटिफिकेशन पहले आपको मिल जाए। तो दोस्तों, मैं मार्केट में से नया मदर कार्ड परचेस करके लाया हूँ। दोस्तों देख लीजिए, ये नया परचेस करके लाया, ऑनलाइन भी मिल सकता है। दोस्तों ये पुराना मदर कार्ड है डीडी फीडी सेटअप बॉक्स का, तो ये खराब हो गया है। तो खराब हो जाने से मैं इस वीडियो में इसको कैसे डाले या नया डाल के आपको बताने वाला हूँ। तो पहले इस वीडियो ये मदर कार्ड खराब होने से अपनी जो आपको कहीं भी टीवी में आपको चैनल वीक सिग्नल आ सकता है, लो सिग्नल आ सकता है, ऐसे प्रॉब्लम हो, इसलिए कार्ड आप चेंज करना मैं इस वीडियो बता रहा हूँ। ये चैनल फंस के चल रही है, इसलिए मैं कार्ड नया डाल सकता हूँ। इस कार्ड खराब हो गया है, इसकी जो मदर आईसी है, मदर आईसी प्रोग्राम आईसी भी खराब हो गई है और ये खराब हो गया, ट्रांजिस्टर भी कैपेसिटर भी खराब हो गया। इसलिए मैं नया मार्केट में से परचेस करके लाया हूँ ये मदर कार्ड डीडी फ्री सेटअप बॉक्स का। तो आपको पहले इसको निकालने के लिए ये हमारा केबल दिखाई दे पड़ रहा होगा। ये केबल हमारा है, देख लीजिए, ये केबल जो सॉकेट है हमारा, जो पावर सप्लाई का सॉकेट है, जो पावर सप्लाई में इसको पावर देना होता है। तो इस एसएमपीएस में से ये सॉकेट के यहाँ पे ये सॉकेट में 3 वोल्ट 5 वोल्ट 12 वोल्ट 24 वोल्ट 12 वोल्ट यहाँ पे मिल रहा है। तो इसको पहले मैं निकाल देता हूँ और ये हमारा आपको दिखाई दे पड़ा, ये भी ध्यान से देखना है दोस्तों। इसको ये डिस्प्ले का है, आगे जो भी डिस्प्ले शो कर रही है, वॉल्यूम कंट्रोल, डिस्प्ले, सेंसर, पावर ऑन ऑफ सबका यहाँ पे, ये यहाँ से ये केबल लगा हुआ है। तो केबल को आराम से आपको निकाल देना है, ये दोनों कनेक्शन आपको पहले निकाल देना है। इसके बाद यहाँ पीछे से यहाँ पे दो टर्मिनल रेयर स्क्रू लगा हुआ है, इसको भी आप आसानी से निकाल देना है। दोस्तों देख लीजिए, ऐसी नट आपको यहाँ से निकाल देनी है और यहाँ पे बीच में एक छोटा नट लगा हुआ है, स्क्रू लगा, इसको स्क्रू को भी आप आसानी से निकाल सकते हो। निकालने के बाद दोस्तों देख लीजिए, इसको मैंने रिमूव कर दिया है। रिमूव करने के बाद मैं ये नया मदर कार्ड आपको लगाने वाला हूँ, ये पुराना है। दोस्तों देख लीजिए, आपको इसको शो कर रहा होगा, ये मदर कार्ड नया वाला, ये ख़राब हो गया मदर, इसको बारे में ये मैं लगा के आपको बताऊंगा। इसको आपको आसानी से ऐसे ही रख के पहले आपको यहाँ पे रख देना है। और यहाँ पे पीछे के भाग में यहाँ पे एक स्क्रू लगा देना है। स्क्रू ड्राइवर की मदद से आपको इसको अच्छी तरह से रख देना है। दोस्तों इसका कनेक्शन पता होगा, ये वीडियो का कनेक्शन है, ये लेफ्ट स्पीकर और राइट स्पीकर है, ये आरएफ का कनेक्टर है, यहाँ पे एलएनबी का दो है जो डिस्प्ले से आता है, इन और आउट दोनों आपको यहाँ पे लगाना है। इसके बाद आपको यहाँ से इसको इधर लगा देना है, दोनों साइड में इसको अच्छी तरह से फिट कर देना है। इसी तरह आप नया कार्ड लगा सकते हो। ये हमारा जो पावर सप्लाई में जो सप्लाई देने वाला पिन है, ये सॉकेट है, सॉकेट आपको आसानी से ध्यानपूर्वक यहाँ पे लगा देना है। दोस्तों देख लीजिए, इसको मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और इसको भी आसानी से, ये डिस्प्ले का पैनल का जो केबल है, तो पैनल का केबल आपको इधर से ऐसे लगा देना है। इसी तरह दोनों कनेक्शन आपको ध्यानपूर्वक करना है। और यहाँ पर मैं आपको डिस्प्ले शो कर रहा है, वो भी एक बार बता देता हूँ। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे ऑन हो गया है डिस्प्ले, अच्छी तरह से हो गया दोस्तों। इसको हम आपको बताएंगे अभी टीवी में डाल के। तो दोस्तों इसी तरह आप मदर कार्ड डाल सकते हो। तो इसमें कुछ नहीं है, आपको दो सॉकेट अच्छी तरह से चेक करना है, इसका पावर सप्लाई भी चेक करना है और यहाँ पे दोनों कनेक्शन लगाना है, एक सप्लाई का और दूसरा डिस्प्ले का। अब हम देखेंगे टीवी में कैसे इसको सिग्नल फंस के चल रहा है, नो सिग्नल आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम सही तरह सॉल्व हो गया है, नया कार्ड डाल के वो आपको बताऊंगा। मैंने नया कार्ड डाल के आपको यहाँ पे ऑटो स्कैन कर दिया है। तो ऑटो स्कैन आप कभी भी डीडीपी सेटअप बॉक्स में नया कार्ड डालते हो तो एक बार इसको पहले ऑटो स्कैन करना ही पड़ेगा, तभी आप सिग्नल आएगा। ऐसे नहीं, आप ऑटो स्कैन नहीं करेंगे तो नो सिग्नल बताएगा, इसलिए आपको पहले नया कार्ड डाल के ऑटो स्कैन करना पड़ेगा। ऑटो स्कैन कैसे करते हैं इसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है, मैं आई बटन को इसको डालूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी इसको डालूंगा। देख लीजिए, यहाँ पे ऑटो स्कैन के सभी चैनल आ रही है, ये रेडियो चैनल है और ये टीवी की चैनल है, दोनों चैनल यहाँ पे शो कर रही है। नया मदर कार्ड डाल के इसको फ्रिक्वेंसी भी हो रही है,
दोस्तों देख ठीक है लीजिए, यार, जो ये तुम्हारा ऑटो स्कैन हो गया है कैलकुलेटर दोस्तों। है। ऑटो स्कैन करके मैंने देख लीजिए, यहाँ पे शो करा है UP24 G की न्यूज की चैनल, ये सभी चैनल आ रही है। तो देख लीजिए सभी चैनल है, आज तक थे सभी चैनल आ गई है दोस्तों। देख लीजिए इधर मैंने सिग्नल भी आ गया अच्छी तरह क्वालिटी सिग्नल, जो पिक्चर फंस फंस के चल रहा था और नो सिग्नल आया वी सिग्नल आ गया, उसका प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो गया है इस कार्ड नया कार्ड डाल के दोस्तों। इसी तरह आप घर पे भी ऐसे प्रॉब्लम हो तो नया कार्ड डाल सकते हो दोस्तों, मदर कार्ड। तो दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हमारा जय हिंद जय भारत।